तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले का आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक आसान सवाल है, बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। तो सवाल की शुरुआत में हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई तुम? हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर कहीं लिखा होता है तो हम उसे एक्स लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ये भी हमारा जो सवाल है, देयरफोर साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको समझनी होगी कि ठीक है साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये साइन की जो रेंज होती है उससे बिलोंग नहीं करती। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि बट 2π/3 जो वैल्यू निकल कर आई है नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब ये वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इस ब्रांच से बिलोंग करेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस ब्रांच से क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि ये -90 से +90 तक की वैल्यू है और ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल 120 डिग्री का है। 2π/3 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा जो कि 90 से ऊपर चला जाएगा और रेंज केवल -90 से +90 तक है। तो क्योंकि ये एंगल हमारी रेंज से बाहर निकल रहा है तो इसलिए हम इस एंगल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके जैसा एक दूसरा एंगल लिया जा सकता है जिसकी वैल्यू इस एंगल के बराबर होगी। साइन में ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 120 डिग्री के बराबर होती है। तो हम ऐसे एंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस रेंज से बिलोंग कर सकता है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। हाउएवर लिखेंगे साइन 2π/3 जो है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन पाई -π/3। ये चीज़ आप समझते होंगे अच्छी तरह से क्योंकि आप 11th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि साइन 180 -θ को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो साइन 2π/3 है अब इसकी जगह साइन π/3 आ जाएगा। तो लिखेंगे सो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की जगह साइन 2π/3 की जगह हम लिख देंगे साइन π/3। अब साइन इनवर्स साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं और ये बिलोंग करेगा साइन की जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज जो है उससे ये बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बजाय 2π/3 के क्या होगा, π/3 होगा। सवाल आपका पूरा हो चुका है लेकिन अभी इसके जैसा एक और करके देखेंगे ताकि चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारे सवाल की शुरुआत होती है यहाँ से, सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन था कि इससे ये कट जाता और आंसर कितना आ जाता है 2π/3। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि जो 2π/3 का एंगल है ये साइन इनवर्स की जो रेंज होती है उससे बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब इस एंगल को बदलना पड़ेगा। तो इस एंगल को बदलने के लिए हमने जो साइन 2π/3 था इसको लिखा और लिखने के बाद 2π/3 को ऐसे लिख दिया पाई -π/3। ऐसा 11th क्लास में बहुत किया गया था। इसके बाद हम जानते हैं कि साइन 180 -θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब साइन 2π/3 को साइन π/3 लिखा जा सकता है। अगर आपकी भाषा में समझें तो ऐसे होगा कि 120 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू साइन के केस में दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 2π/3 है वो कन्वर्ट हो गया साइन π/3 में। तो अब यहाँ पर साइन 2π/3 की जगह हमने साइन π/3 रख दिया, फिर साइन इनवर्स साइन एक्स को हमने लिख दिया एक्स जो कि साइन की रेंज से बिलोंग कर रहा था। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो जैसा सवाल अभी अभी निपटा के आ रहे हैं ना उसके जैसा एक और सवाल सामने लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, टेन इनवर्स टेन 3π/4। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे कि टेन इनवर्स टेन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं लेकिन फिर से ये जो होगा ये साइन की जो रेंज टेन की जो रेंज है टेन इनवर्स की उससे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर से हमें इस एंगल को बदलना पड़ेगा। तो जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो जो पुरानी चीज़ें थी ना मैंने सारी लिख दी हैं। पहले लिखा कि वी नो दैट टेन इनवर्स टेन एक्स जो है वो एक्स आ सकता है,
तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके 3π/4 आ सकता है, लेकिन 3π/4 जो है वो 10 की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक, उससे बिलोंग नहीं करेगा। 10 इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उससे ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एंगल देखो कितने डिग्री का है, चेक करो। तो आपने चेक कर लिया होगा कि ये जो एंगल है ये पूरा 135 डिग्री का एंगल है, और 10 की जो रेंज होती है वो -90 से बड़ी और +90 से छोटी होती है। अब ये एंगल उस रेंज से बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इस एंगल को यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इस एंगल को हम बदलेंगे कैसे वो देख लीजिए ज़रा। 3π/4 लिखो सबसे पहले, 3π/4 को क्या लिखा जा सकता है, 10π-π/4। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप 11th क्लास में कर चुके हैं कि 3π/4 को आप 10π-π/4 लिख सकते हैं। देखो जब LCM लोगे ना तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। अब 180-थीटा क्या होता है, माइनस का 10θ होता है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट जो है 180-थीटा का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता ये बात। 180 यहाँ पर होता है इस जगह, तो 180-थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10θ आ गया है, ठीक है। इसके अलावा -10θ को हम 10-θ भी लिख सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब 3π/4 को बदल कर 10-π/4 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सवाल है कि 3π/4 जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप, तो अब हम उसे बदल कर क्या लिख देंगे, 10 3π/4 की जगह पर क्या आ जाएगा, -π/4, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और अब वो फार्मूला लगा देंगे 10 inverse 10x = x। तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर कितना आ गया, -π/4। तो उम्मीद है कि अब आप इन सवालों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इनके जैसे और सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं देख लीजिए ज़रा। ये देखिए ज़रा, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, उसी टाइप का है, इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो जो मिसलिनियस के शुरुआती सवाल आप देख रहे हैं ना, ये भी इसी टाइप के हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं मिसलिनियस करवाऊंगा तो आपको ये दोनों सवाल बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, इनको ज़रूर करके देख लीजिएगा। तो ये जो आसान सवाल हैं इनको समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे देखिए किस तरह से। हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाहर जो आप 10 देख रहे हैं ना लिखा हुआ, वो तो ऐसे ही रखा जाएगा, और अंदर ये जो दोनों आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों को हम 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 10 inverse x + 10 inverse y का, ताकि हम उस फार्मूले को यहाँ पर लगा सकें। अगर हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं तो हमारे पास इनका कोई फार्मूला नहीं है कि sin inverse x + cot inverse y का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किया जाता था, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे वही इनवर्स ट्रिगो में किया जाएगा। तो अगर हम इसको साइन को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक मैंने इसके लिए बनाया साइन के लिए और एक कॉट वाले के लिए बनाया, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। और जब हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो उससे ये निकल कर आ जाएगा 4। उम्मीद है कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस तो कम से कम जानते ही होंगे। अब बारी आती है इस वाले राइट ट्राइंगल की, इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ एंगल होता है उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। कॉट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर 2 होगा और बेस क्या हो जाएगा, 3। इस ट्राइंगल में भी जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 का square 9 और 2 का square 4, 9 और 4 13, तो ये √13 आ जाएगा। तो अब क्या है कि इस ट्राइंगल की भी हमें तीनों साइड पता चल गई हैं और इसकी भी तीनों साइड पता चल गई हैं। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल से हम क्या करेंगे कि साइन को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से। वो वाला मत ले लेना क्योंकि साइन का जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। तो साइन को 10 में देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 10 inverse। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है,
टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इसी तरह से उस वाले से हम टेन निकालने की कोशिश करेंगे, कॉट दे रखा है टेन निकालना है, तो टेन का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से टेन इनवर्स जो है वो आ जाएगा 2/3। एक चीज़ आप ये भी जानते होंगे कि टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे केस में आपको ये ट्राइंगल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉट अगर दे रखा है टेन निकालना है तो सिर्फ उसको उल्टा कर देंगे। तो आपने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी कि किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनको एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने साइन को टेन में कन्वर्ट किया इस वाले ट्राइंगल की मदद से, कॉट को भी टेन में कन्वर्ट किया उस वाले ट्राइंगल की मदद से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला लगाने का जो रास्ता है वो साफ़ हो चुका है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। साइड में फार्मूला लिख देता हूँ मैं। इसके बाद क्या है ना, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन चलेगी, टेन टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12, 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 और 8 कितना हो गया 17। इसी तरह से नीचे 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 12। कुछ बच्चे ये भी सोच लेंगे कि 2 से इसको काट भी देते हैं ना, तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे काटने से ना ये वाला फ़ायदा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब 10 इंटू 10 इनवर्स, ऊपर 17 बचा और नीचे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और हम ये जानते हैं कि 10 इंटू 10 इनवर्स को हम 10 इंटू 10 इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सवाल का जो आंसर है वो आ चुका है। तो ये जो सवाल है ना, इसमें आपने जो नई चीज़ सीखी है वो ये है कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बस ये आपने नया सीखा है, बाकी सब पुराना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला है ये आप पहले से ही जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं तो आप इसको कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके सामने शायद एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसी वजह से ये सवाल मैं ही करके दिखा रहा हूँ। ये सवाल उसी की तरह से है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, फिर ये रेंज से बिलोंग करेगा नहीं, तो फिर हमें इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। लेकिन आपको इसमें आगे जाके एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए ये पूरा सवाल मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो वो पूरी जो कहानी है मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। पहले तो लिखा वी नो दैट कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा, उसके हिसाब से हमारे सवाल का आंसर 7π/6 आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि 7π/6 कॉस की जो रेंज होती है, क्योंकि बड़ा एंगल है 180 से भी ऊपर जाएगा ये एंगल निकल कर जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एंगल कॉस की रेंज से कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे बिलोंग नहीं करेगा। मैं कॉस बोल रहा हूँ, मुझे कॉस इनवर्स एक्स बोलना चाहिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे ये हमारा एंगल बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमें इस एंगल को बदलना पड़ेगा। अब इसको कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। ये जो कॉस 7π/6 इस सवाल में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक का तुमने देखा ही है इससे पहले। तो कॉस 7π/6 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, 6π और प्लस 1π 7π/6 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। जब तक ये माइनस साइन को हटाएंगे नहीं यहाँ से, तब तक हम इसे वहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब कॉस के केस में वो वाली चीज़ तो हो नहीं सकती कि माइनस कॉस थीटा को हम कॉस माइनस थीटा लिख दें, ये कॉस के केस में तो नहीं हो सकता, ना ही ये सेक के केस में होता है। लेकिन बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनमें हम ये काम कर लेते हैं, और हमने किया भी था इससे पहले। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए, देखिए इसका क्या इलाज होगा। इसके लिए कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको ध्यान से देखिएगा ज़रा। कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है। कॉस जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कॉस इसमें तो होता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कॉस 5π/6। कहने का मतलब ये है कि 7π/6 का जो एंगल है वो बदलकर किसके इक्वल आ गया, कॉस 5π/6 के। बहुत सारे एंगल होते हैं साइन और कॉस में जिनकी वैल्यू इक्वल होती है एक दूसरे के,
आपने ग्राफ में भी देखा होगा बहुत सारे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमने cos 7 पाई बाय 6 को पहले इस तरीके से लिखा तो हमें ये मिला। अब हम इस माइनस को वैसे हटा नहीं सकते थे उस तरीके से, तो इसको हटाने के लिए हमने ये देखा कि cos की जो रेंज होती है cos इनवर्स की, उस रेंज में cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो हमने क्या किया, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिख दिया cos 180 माइनस थीटा इस तरह से। इसको नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया cos 180 माइनस थीटा। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो cos 5 पाई बाय 6 के इक्वल आ गया, यानी कि cos 7 पाई बाय 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 जो है, अब हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, और ये उस रेंज से बिलोंग कर जाएगा जो होती है cos की 0 टू पाई। क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना डिग्री में तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो ये 150 डिग्री आएगा, और 150 डिग्री जो है वो 180 से कम तो होता ही है, तो इसका मतलब यही एंगल सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे ये वाली जो मुसीबत आने वाली थी, माइनस का कॉस आने वाला था, इसी की वजह से मैंने आपको ये सवाल करके दिखाया। उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे, 20वां सवाल करते हैं। तो अब ये जो सवाल हमारे सामने है 20वां सवाल, चार ऑप्शन इसके लिए दे रखे हैं, देखना होगा कि कौन सा इनमें से सही है। पहले हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन तो अपने आप ही आ जाएगा। तो साइन इसी तरह से रहेगा, पाई बाय 3 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा, तो बदलेगा क्या, ये बदलेगा। ऐसा सवाल इसी एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में भी किया था हमने, अगर आप याद ना कर पा रहे हो तो उसके लिए पिछला लेक्चर देख लीजिए, या फिर अभी मेरे पास किताब नहीं तो मैं तुम्हें को दिखा देता। पिछले लेक्चर में शुरुआती जो सवाल था सबसे पहला, वो भी इसी टाइप का ही था। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस 1/2 है इसके बारे में सोचेंगे कि ये साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, और अगर नहीं सोच सकते हो तो साइड में यहाँ पे देख लो, माइनस 1/2 लिखो ऐसे करके, ब्रैकेट लगा दो पहले। अब माइनस ऐसे रहेगा, 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाय 6 की, यानी कि साइन 30 की। अब ये नेगेटिव साइन हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ना हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का थीटा। अभी अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कॉस को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें आप माइनस कुछ भी है, माइनस साइन थीटा तो उसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते थे कि इसका जो माइनस साइन है इसको हटाने के लिए आप देखते कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इनमें तो दोनों में होता नहीं है, इन दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, मान लो इस क्वाड्रेंट के लिए आपने लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पाई से आगे आ रहा है तो इसके लिए पाई प्लस पाई बाय 6 लिखोगे तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो तुम्हें 7 पाई बाय 6 मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एंगल होगा और वो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उससे बाहर निकल जाएगा। इसीलिए माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो कुल मिला के माइनस पाई 1/2 की जो वैल्यू हमें मिली है वो ये मिली है, साइन माइनस का पाई बाय 6 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय 3 माइनस, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस का पाई बाय 6 यहाँ पर रह जाएगा। बाहर वैसे इनको बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए था, बुक वालों ने खुद से ही छोटा ब्रैकेट लगा के दे रखा है। इसके बाद देखिए क्या होगा, साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। इसके बाद साइन एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा, 3 2 6 तो 2 पाई और प्लस पाई, तो कुल मिला के साइन 3 पाई बाय 6 आएगा, यानी कि साइन 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, और साइन पाई बाय 2 की जो वैल्यू है आप जानते हैं अच्छी तरह से वो क्या होती है, 1 होती है। तो एक अच्छा सवाल था, फिर से देखते हैं, माइनस 1/2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है ये देखना ज़रूरी था, तो उसको लिखा यहाँ पे। फिर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है वो लिख दिया, फिर माइनस साइन हटाना ज़रूरी है तो माइनस साइन हटाने के लिए हमने माइनस साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन माइनस का थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, और ये काम हम कर नहीं सकते क्योंकि एंगल हो जाएगा बड़ा, रेंज से बाहर निकल जाएगा। इसको यहाँ पर पुट कर दिया,
फिर ये कैंसिल हो गया, माइनस का पाई बाय सिक्स बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लेके आसानी से सवाल पूरा हो गया। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं ऊपर चार जो ऑप्शन है, अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है। तो आंसर जो है वो इसका क्या होगा, डी होगा। तो सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइक नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो ज़रूर लाइक किया करें। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा सवाल अभी अभी निपटा के आए हैं, बिल्कुल उसके जैसा एक और सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस सवाल को खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखना उनमें से कौन सा सही होगा। इस सवाल को करने के लिए पिछले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इस बार। टेन इनवर्स रूट थ्री और कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा की जगह मैंने लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये एक फार्मूला है जो आपको दिखाया गया था पहले, एक बार फिर से देखिए। ये देखिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह लिख दिया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। साइड में मैं ये फार्मूला लिख भी देता हूँ। तो इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि फार्मूले याद रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समय पर तभी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात है कि जो हमारे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह के फार्मूलों का काफ़ी इस्तेमाल होगा। तो जो फार्मूले आप याद करते हैं खाली उसी चैप्टर में नहीं लगते, उसके आगे भी बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी ये लिखने के बाद अब आगे देखो क्या होगा। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद इसको और उसको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि मुझे फिर से एक फार्मूला याद आ रहा है, क्योंकि मुझे याद है इसलिए याद आ गया, तुम्हें याद नहीं है इसलिए नहीं याद आ रहा होगा, या तुम में से कुछ को याद आ गया होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल पाई बाय टू लिखा जा सकता है, और माइनस पाई ऐसे ही रहा। फार्मूला जो लगाया उसको इधर की साइड लिख देते हैं। फार्मूला लिख दिया और एक बार किताब में भी देख लो कहाँ पर है। ये रहा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाय टू। तो इस पेज के ना दो फार्मूले हमने सवाल के अंदर लगा दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब आगे देखो जरा क्या होगा। इसके बाद पाई में से पाई बाय टू माइनस हो गया, क्या बच जाएगा, माइनस का पाई बाय टू। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बी वाला। तो एक और आसान सवाल को हमने निपटा दिया। एक्सरसाइज के 21 सवाल पूरे हो चुके हैं और एक्सरसाइज भी इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि सारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो। कंजूसी मत किया करो इस काम में बिल्कुल भी। फिलहाल अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे अगले लेक्चर में जल्दी ही। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मूले याद करना। अपना ही नुकसान करोगे अगर याद नहीं करें फार्मूले तो। चलो खैर, छुट्टी करता हूँ, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।